तो दोस्तों प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के की ग्लिम्स यानी कि जिसे हम कहते हैं झलक, वो YouTube में अपलोड हो चुका है, जिसको देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अमेरिका के कॉमिकॉन फेस्टिवल में प्रोजेक्ट के का झलक यानी जिसे हम कहते हैं ग्लिम्स, वो दिखाया गया है। और आपको बता दें कि ये वही कॉमिक कॉन फेस्टिवल है जहां पर हर साल मार्वल और डीसी अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। और इस साल प्रोजेक्ट के मेकर्स ने भी इतने बड़े मंच में जाकर अपनी फिल्म को अनाउंस किया, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें इस ग्लिम्स की, तो इसमें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फ्यूचर दिखाई गई है, जहां पर कुछ बच्चे खाने और पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल जमाए बैठे हैं या फिर पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें दीपिका पादुकोण की भी एक झलक दिखाई गई है, ऐसा देखकर लगता है जैसे मानो वो किसी संस्था का हिस्सा है। जैसे कि मार्वल की नताशा ब्लैक विडो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बिल्कुल वैसा ही ये सीन देखकर वही फील आती है। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर का एक सीन दिखाई देते हैं, जहां पर कोई आता है जो कि एक रोबोट है। उसके बाद पट्टियों से बंधा हुआ एक बुजुर्ग की झलक देखने को मिलता है, और ये वो झलक है जिसको देखने के लिए लोग सालों से बहुत ज्यादा उत्साहित है। अगर आप पहचान नहीं पाए तो हम आपको बता दें, ये महाभारत के अश्वत्थामा का सीन है, जो कि एक तरीके से चिरंजीवी है और वो आज भी जिंदा है। उसके बाद प्रभास की कई सारे सीन देखने को मिलता है, जैसे कि लगता है वो एक बागी है और दुश्मन उसके पीछे है, और शायद वो दुश्मनों से बचने के लिए भागते भागते मंदिर तक पहुंचा है, और आगे वही जाकर शायद उन्हें अश्वत्थामा के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे सीन्स देखने को मिलता है जिसको देखकर लगता है कि ये सभी जो है हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर है। एग्जांपल के तौर पे आप इस सीन को देख लीजिए, देखकर लगता है जैसे मानो स्टार वॉर्स की जंग छिड़ी हुई हो। उसके बाद सीन बदलता है, जहां पर कुछ आर्मी जो है किसी को पकड़ने के लिए भागदौड़ी कर रहे हैं और प्रभास किसी दूसरी जगह पर छुप कर बैठे हैं। उसके बाद दो साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट के क्या है। उसके बाद वीडियो के स्क्रीन पर लिखावट आता है कल्की, और ये फिल्म कल्की के ऊपर बेस होगा, और शायद मुझे लगता है कि ये कोई असली वाला कल्की नहीं होगा, बल्कि किसी इंसान को साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के जरिए उसे सुपर ह्यूमन बना दिया जाएगा, जैसे कोई सुपर सोल्जर जो दुनिया को बचाएगा। और दूसरी तरफ अश्वत्थामा, जिनका किरदार अमिताभ बच्चन जी निभा रहे हैं, वो कल्की का गुरु बनकर मार्गदर्शन करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के ग्लिम्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेशन में जरूर बताएं। धन्यवाद।